बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से कोहराम, 15 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। गोपालगंज में सबसे ज्यादा 17 लोगों की मौत, बेतिया में 3 नवंबर से अब तक 13 ने गंवाई जान। मौत के आंकड़े बढ़ने से एक्शन में आई नीतीश कुमार की पुलिस, छापेमारी में एक ट्रक से 350 पेटी अवैध शराब बरामद। नीतीश के मंत्री जनकराम ने जहरीली शराब कांड के पीछे जताई साजिश की आशंका, कहा सरकार को बदनाम करने में जुटे हैं कुछ लोग। सिवान में भी जहरीली शराब से 5 लोगों ने गंवाई थी अपनी जान, प्रशासन पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप। दिवाली की सुबह जहरीली हुई राजधानी दिल्ली की हवा, कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के आसपास। दिल्ली एनसीआर के आसमान में छाई है धुएं की मोटी परत, विजिबिलिटी भी हुई बेहद कम। रात से ही धुएं के आगोश में घिरने लगी थी राजधानी, सांस लेने में हो रही है लोगों को मुश्किल। दीपावली पर हुई आतिशबाजी ने घोंटा दिल्ली का दम, प्रतिबंध के बावजूद जमकर छोड़े गए पटाखे। दिल्ली के कई इलाकों में रात भर गूंजते रहे पटाखों के धमाके, ना पुलिस ने रोका ना लोगों ने की प्रदूषण की परवाह। दिल्ली का आनंद विहार, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, इंडिया गेट पर प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार, ज्यादातर जगह पर हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर। कृष्ण मेनन मार्ग और रेल भवन के आसपास के इलाकों में भी आतिशबाजी का गहरा असर, आधी रात से ही हर तरफ दिखी धुएं की चादर। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी हवा की कस्तर बेहद खराब, जहरीले धुएं की चपेट में साइबर सिटी के तमाम इलाके। गुरुग्राम समेत हरियाणा के 14 जिलों में आतिशबाजी का था प्रतिबंध, पर इसके बावजूद जमकर फूटे पटाखे। दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद में भी खूब हुई आतिशबाजी, रात में ही हवा में ठहरा है सफेद जहरीला धुआं। दीपावली के अगले दिन भोलेनाथ की शरण में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केदारनाथ धाम में कई कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में जगतगुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और समाधि का किया उद्घाटन, मैसूर में बनी है मूर्ति। 130 टन की चट्टान से बनाई गई है जगतगुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया केदारनाथ। मूर्ति के अनावरण के बाद प्रधानमंत्री ने शंकराचार्य को दी श्रद्धांजलि, प्रतिमा के सामने लगाया ध्यान। 213 की आपदा को याद कर भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा त्रासदी के बाद केदारनाथ धाम की शान लौटाने का लिया था प्रण। आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5वां दौरा, सुबह 7:55 पर पहुंचे थे बाबा के धाम। केदारनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की पूजा और रुद्राभिषेक, गर्भगृह में बिताए करीब 15 मिनट। पूजा के बाद प्रधानमंत्री ने की मंदिर की परिक्रमा, हाथ जोड़कर बाबा केदार का किया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर केदारनाथ में की गई विशेष सजावट, ऋषिकेश से मंगाए 15 क्विंटल फूल। प्रधानमंत्री मोदी ने लिया केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा, करीब 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का देश भर में 100 जगहों पर हुआ सीधा प्रसारण, हर जगह दिग्गज बीजेपी नेता रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हुए शामिल, उज्जैन के महाकाल मंदिर में मौजूद रहे शिवराज। शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण के दौरान भक्ति से सराबोर हुए शिवराज,
महाकाल का किया श्रृंगार। योगी आदित्यनाथ ने भी देखा शंकराचार्य प्रतिमा का लाइव अनावरण, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गोरखपुर से हुए शामिल। नासिक में मौजूद रहे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, त्र्यंबकेश्वर धाम से देखा सीधा प्रसारण। कांगड़ा में मौजूद रहे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ज्वालामुखी मंदिर में देखा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। रोहतक में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लाइव देखने पहुंचे बीजेपी नेताओं को किसान आंदोलनकारियों ने बनाया बंधक, कृषि कानूनों को के विरोध में हुई यह घटना। शिव मंदिर में दिखाया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण, प्रदर्शनकारियों ने नेताओं की गाड़ी की हवा भी निकाली, तोड़फोड़ भी की। बीजेपी नेताओं के माफी मांगने पर अड़े प्रदर्शनकारी, हालात तनावपूर्ण होने पर मंदिर के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरने की जगह पर आगजनी, 6 झोपड़ियां जली। आंदोलनकारियों की रसोई के पास हुआ अग्निकांड, फायर ब्रिगेड और किसानों ने मिलकर आग पर किया काबू। हादसे के लिए प्रदर्शनकारियों ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा आंदोलनकारियों को डराने के लिए जानबूझकर लगाई गई आग। दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पर बैरिकेडिंग हटाने के बावजूद किसानों का धरना जारी, आंदोलन तेज करने की बन रही है रणनीति। 7, 8 और 9 नवंबर को किसानों की बड़ी बैठक, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे रोकने पर होगी बात। जमानत पर रिहा होने के बाद पहली बार नजर आए आर्यन खान, वकील के साथ पहुंचे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई थी शर्त, हर हफ्ते शाहरुख खान के बेटे को एनसीबी में देनी होगी हाजिरी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार में दिखे कोरोना संक्रमण के लक्षण, 2 ड्राइवर के भी संक्रमित होने का डर। चंडीगढ़ प्रशासन ने की पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती, ग्राहकों को 7 रुपए प्रति लीटर का फायदा। मुजफ्फरपुर में बाढ़ खत्म होने के बावजूद नहीं थम रही है किसानों की आफत, खेतों में पानी जमा होने से धान की कटाई बेहद मुश्किल। दीपावली की रात मुंबई में कई जगहों पर लगी आग, वर्ली इलाके में कॉस्मेटिक्स की दुकान जलकर खाक। बोरीविले में पटाखों की चिंगारी से मकान की छत पर लगी आग, दहिसर में गोदाम में उठी लप्पे। दीपावली की रात हैदराबाद में मूर्ति बनाने के कारखाने में आग लगने से धमाका, हादसे में 2 की मौत। बांदा में फोटो स्टूडियो में भड़की आग, लाखों का सामान खाक। असम के कामरूप में आतिशबाजी के चलते भीषण अग्निकांड, 2 मकान और 1 दफ्तर जलकर राख। पटना में आतिशबाजी से कबाड़ गोदाम में भीषण आग, आसपास के इलाके में दहशत। जामनगर में भी कबाड़ की दुकान में भड़की आग, फायर ब्रिगेड पहुंचते तक सारा सामान जलकर राख। झांसी के पटाखा बाजार में भड़की आग, कई दुकानदारों को लाखों का नुकसान। शिवपुरी में रेडक्रॉस सोसाइटी की धर्मशाला में आतिशबाजी से भड़की आग, जान बचाकर भागे लोग। गुजरात के वलसाड में पेपर मिल में लगी आग, करोड़ों के कागज जलकर खाक। दीपावली की रात वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हुई गंगा आरती, सैकड़ों श्रद्धालु शामिल। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी देखी गंगा आरती, अद्भुत दृश्य, गंगा में क्रूज पर बैठकर आरती में हुई शामिल। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में दिवाली के मौके पर भगवान लक्ष्मीनाथ का विशेष श्रृंगार, 2,500 और 50 के रंग बिरंगे नोटों से की गई थी सजावट।
भगवान की मूर्ति और सिंहासन पर भरे गए लाखों रुपए के नोट, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं समेत हजारों लोग दर्शन को उमड़े। मथुरा में दीपावली की रात मनाया गया दीपदान महोत्सव, मानसी गंगा नदी के किनारे जुटे सैकड़ों श्रद्धालु। तिरुपति में तिरुमला मंदिर में भी दिवाली विकी विशेष सजावट, दीपकों से बनाया गया ओंकार का चिन्ह। दिवाली की रात देशभर में इमारतों में की खूबसूरत सजावट, दिल्ली से सटे नोएडा में दिखी खास चकमक। हरियाणा का अंबाला भी दिवाली की रात जगमगाया खूबसूरत रोशनी से, शहर भर में सजावट। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने स्टाफ के बीच बिताई दिवाली, कई थानों में जाकर बांटी मिठाई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दियों ने से सजाया थाना, पुलिस कर्मियों ने की दिवाली की पार्टी। दिवाली के बाद भी जारी है त्योहारों का सिलसिला, आज देश भर में की जा रही है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्थानीय मान्यता के मुताबिक खुशहाली के लिए हाथ पर सहे 8 कोड़े। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजराती नए साल की दी शुभकामना, अहमदाबाद में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कश्मीर में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज, शुक्रवार सुबह से हो रही है बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेद चादर। गया में वीर जवानों के सम्मान में मनाया गया दीपोत्सव, जलाए गए घी के दिए। हरदोई में चुनावी रंजिश में बर्बर वारदात, एक शख्स ने लाठियों से पीटकर उतारा मौत के घाट। हापुड़ में आतिशबाजी के विवाद में दो गुटों के बीच पथराव और फायरिंग, एक युवक जख्मी। गुरुग्राम में घर में घुसकर आधा दर्जन लोगों ने की गोलियों की बौछार, दीपावली की पूजा के दौरान टूटा कहर। फायरिंग में एक युवक की मौत, 7 लोग जख्मी, 15 साल पुराने हत्याकांड के प्रतिशोध में की गई थी यह वारदात। पुडुचेरी में एक दर्दनाक हादसा, सड़क पर हुए धमाके से स्कूटर सवार युवक और 7 साल के बेटे की मौत। मथुरा में मोबाइल फोन से लदे ट्रक की लूट का खुलासा, 5 बदमाश गिरफ्तार। लूटे गए मोबाइल फोन की कीमत करीब 1,70,00,000, अब तक 700 फोन बरामद।